तो आए लोग, आज हम बात करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी की एंडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी है इस मूवी को लेकर। जैसे टीवीए लोकी सीजन 2 के बाद किस नए ढंग से काम कर रहा है, टीवीए में मिस्टर पैराडॉक्स जैसे विलन और कितने हैं, क्या B15 डेडपूल एंड वुल्वरीन को किसी बड़े बैटल में यूज करेगी, और आगे डेडपूल एंड वुल्वरीन की कहानी क्या रहेगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें पूरी मूवी में नहीं मिला, कि थॉर आखिरकार डेडपूल के लिए क्यों रो रहा था। और इससे बड़ा सवाल यह है कि ये मूवी कैसे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर से कनेक्ट होगी। काफी कुछ है आज की वीडियो में बात करने के लिए, तो आखिरी तक बने रहना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि वुल्वरीन और उनकी बेटी X-23 ने डेडपूल के यूनिवर्स में अपनी जगह बना ली है। बाकी रह गए दूसरे कैरेक्टर जैसे ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट, उनको भी उनके यूनिवर्स में जगह मिल गई है, क्योंकि डेडपूल के कहने पर और जो लास्ट में हीरो स्टफ हुआ है उसे देखते हुए B15 ने इन कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में भेज दिया है। इसका मतलब इन सभी कैरेक्टर्स को ऑफिशियल MCU में अपनी टाइमलाइन और अपनी जगह मिल गई है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर्स हमें आगे X-Men की मूवीज और ब्लेड और मिडनाइट सन्स जैसी मूवी में देखने को मिलेंगे। वही डेडपूल और वुल्वरीन को MCU में आगे तक घिसा जाएगा। ये कैसे होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एंडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग मुद्दों में रखा है और एंड में इसका फाइनल निष्कर्ष निकाल देंगे। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं फाइनल बैटल सीन की, जहाँ हमें टाइम रिपर डिवाइस दिखाया गया, क्योंकि टाइम रिपर एक ऐसा डिवाइस है जो मेन टाइमलाइन से जुड़े होने के बावजूद भी बाकी सभी टाइमलाइंस को उड़ा सकता है। या इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि ये पूरे मल्टीवर्स को उड़ाने की ताकत रखता है। ये डिवाइस बना था मिस्टर पैराडॉक्स ने, जो इस टाइमलाइन को जल्दी खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि ये टाइमलाइन टीवी के हिसाब से कुछ हजारों साल बाद खत्म होनी थी। लेकिन पैराडॉक्स ऐसा नहीं चाहता था, बस वो जल्दी से इस टाइमलाइन को उड़ाना चाहता था, इसलिए वो टाइम रिपर का यूज करता और 78 घंटों में डेडपूल के टाइमलाइन को उड़ा देता। लेकिन कैसेंड्रा नोवा की एंट्री हो जाती है, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा को वाइड में पता चल गया था कि पायरो और पैराडॉक्स मिले हुए हैं। पहले उसने वाइड में पायरो के दिमाग को पढ़ा, फिर मेन टाइमलाइन में आकर पैराडॉक्स के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जान लिया। इसीलिए कैसेंड्रा नोवा ने इस टाइम रिपर को अपने हाथ में ले लिया और टाइमलाइंस को मिटाने में लग गई। यहाँ टाइम रिपर इस ढंग से काम करता है कि ये डिवाइस इस अर्थ के मैटर और एंटी मैटर को साथ मिलाकर एक एनर्जी क्रिएट करती है, जिसके कारण रियलिटी धीरे धीरे मिटने लगती है। लेकिन तभी डेडपूल कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए बेसमेंट में बलिदान होने जाता है, क्योंकि इस मूवी के टाइटल में वुल्वरीन नाम भी है, इसलिए वुल्वरीन भी डेडपूल का साथ देता है और फाइनली इस नेटिव टाइमलाइन और मल्टीवर्स को बचा लिया जाता है। यहाँ पर एक पल को ऐसा लगा था कि ये दोनों निकल लिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर हैं मार्वल यूनिवर्स के जो राख से भी दोबारा जिंदा हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पर ये राख नहीं बने थे, बल्कि इनको इनके हीलिंग फैक्टर ने बचा लिया है। और जब ये कांड हो रहा था तब इसके बारे में टीवीए में पता चल गया था कि टाइम रिपर का यूज हो रहा है किसी टाइमलाइन पर, इसलिए B15 भी यहाँ अपने टीम के साथ आ जाती है और उनको सारी कहानी पता चलती है। पैराडॉक्स को पकड़ लिया जाता है, तब हमें यहाँ पर दो चीजों का हिंट मिलता है। पहला, डेडपूल और वुल्वरीन अब टीवीए की नजर में रहेंगे और टीवीए उनको कभी भी बुला सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मल्टीवर्स को बचाया है। इसका मतलब आगे अवेंजर्स डूम डे और अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में जब मल्टीवर्सल लेवल जैसे कांड होंगे, तब टीवीए को डेडपूल और वुल्वरीन जैसे सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टीवीए पहले से ये भी जानता है कि ह्यूमंस के वेरिएंट्स आ रहे हैं और टाइमलाइन जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, खतरे और भी नए आ रहे हैं, इसलिए टीवीए भी एक तरह की टीम या मल्टीवर्सल टीम बनाने में लगा हुआ है। दूसरा हिंट हमें दिया था एंकर बींग का, जब B15 ने ये बताया कि तुम्हारे यूनिवर्स का वुल्वरीन मर चुका है इन फ्यूचर में, तो ये जो वुल्वरीन है ये उससे रिप्लेस हो चुका है, इसीलिए तुम्हारा यूनिवर्स पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया है। और अब तक हमें एंकर बींग के बारे में ये पता था कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बींग होता है, और अगर वो मर जाता है तो उसका यूनिवर्स खत्म होने लगता है। लोगन मूवी से हमें यहाँ पर यह पता चला कि वुल्वरीन यहाँ पर एंकर बींग था, जिसके मरने से ये यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर कर दी गई है कि जितनी भी एक्समैन फॉक्स यूनिवर्स की मूवीज हैं, वो सब एक ही यूनिवर्स के अर्थ पर हो रही है। जी हाँ, अर्थ 0005 पर। लोगन की कहानी 2029 फ्यूचर की है, जहाँ उसके मरने के बाद उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यही एक सेम यूनिवर्स है और अब इस यूनिवर्स में एक नया लोगन आ गया है, जिसने उस फ्यूचर वाले एंकर बींग की जगह भर दी है और डेडपूल के यूनिवर्स को उसका एक नया एंकर बींग मिल गया है। लेकिन यहाँ एक मेरा सवाल है जो आप लोगों से है, कि अगर हर एक यूनिवर्स में एक एंकर बींग होता है, तो इस समय मार्वल 616 का एंकर बींग कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद बात करते हैं वुल्वरीन की, जो वुल्वरीन का ही वेरिएंट है और अब वो आगे MCU में कैसे दिखने वाला है। तो ये साफ हो गया है कि वुल्वरीन को मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट में दिखाया जाएगा, और अगर अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर से
पहले हमें डेडपूल 4 देखने को मिल जाए, तब शायद हमें वुल्वरीन के साथ उसकी एक्स फोर्स टीम देखने को मिलेगी, जहां इस टीम में डेडपूल, वुल्वरीन, क्लॉसिस, X-23, डोमिनो, नागासैनिक, टीनेज वॉरहेड, यूकियो, डॉगपूल और डेडपूल के कई वेरिएंट्स हो सकते हैं। लेकिन मार्वल स्टूडियोज का प्लान देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की शूटिंग शुरू हो गई है और स्पाइडरमैन 4, थॉर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और थंडरबोल्ट्स आर्मर वॉर्स और न जाने कितने और बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो डेडपूल 4 के लिए अभी तो रास्ते बंद हैं। फिलहाल अभी कॉमिक कॉन में देखते हैं किसके बारे में हमें क्या पता चलता है। फिलहाल अभी के लिए इस मूवी के वजूद पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इस मूवी में जो हमें ये टाइमलाइन दिखाई दी है, इसके फ्यूचर में लोगन मरेगा जो होगी 2029 में, लेकिन अभी 2024 है, जहां वुल्वरीन का दूसरा वेरिएंट के साथ X-23 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइमलाइन पर एक जगह दो वुल्वरीन है। तो ये चीज कैसे हो रही है? मैं इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि जब डेडपूल को टीवी से उठाया गया, तब एक ब्रांच टाइमलाइन बनी और एक लोगन की डेथ वाली टाइमलाइन जो अभी तक चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये ब्रांच टाइमलाइन है, जहाँ टीवी ने इंटरफेयर करना शुरू किया है, यही आगे मेन टाइमलाइन बन जाएगी और बाकी ब्रांच टाइमलाइन अपने आप ही मिट जाएंगी। इसका प्रूफ मुझे केवल इस मूवी के एंड में मिला है, जब डेडपूल जॉनी की क्लिप चला रहा था, तब आप यहाँ पर साइड में देखोगे कि आपको एक टाइमलाइन दिखाई देगी जो एक तरह से मुड़ी हुई है। तो शायद ये वही टाइमलाइन हो जहाँ से डेडपूल आया है। दूसरे ढंग से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेम वैसा है जैसा हमने एंड गेम में अवेंजर्स को टाइम डकैती करते हुए देखा था, जब इन्फिनिटी स्टोन्स को उसी टाइम पे रख दिया था, तब यहाँ पर ब्रांच टाइमलाइन भी अपने आप बनना बंद हो गई थी। सेम यहाँ पर वुल्वरीन के एंकर पॉइंट के साथ भी है कि ये वुल्वरीन जहाँ से है वहाँ से टाइमलाइन कुछ अलग ही ढंग से बढ़ रही है। सरल भाषा में अगर इस चीज को समझे तो डेडपूल के टाइमलाइन पर दो वुल्वरीन है और इसी चीज ने डेडपूल के यूनिवर्स को स्टेबल किया है। आगे हमें एमसीयू में डेडपूल, वुल्वरीन, X-23 और ब्लेड, गैम्बिट, इलेक्ट्रा, जिनको एमसीयू में एक अलग जगह मिल गई है, इन सबको अब नए ढंग से दिखाया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बात रही X-23 की बैक स्टोरी की, तो मुझे लगता है कि ये वही X-23 है जिसको हमने लोगन मूवी में देखा था और वो अपने फ्यूचर से उठकर इस पास्ट में आ गई है, लेकिन टाइमलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आराम से यहाँ डेडपूल के साथ रह सकती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं टीवीए के फ्यूचर का। पहली बार हमें टीवीए देखने को मिला था लोकी सीजन 1 में, जहाँ टीवीए एक तरह की टाइम कॉप्स थी। जो भी टाइमलाइन से छेड़छाड़ करता उसको टीवीए के जजिंग सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता था और फिर उसके बाद प्रोन किया जाए या उसको वापस भेज दिया जाए, ये टीवीए के ऊपर ही था। ही रूमेंस जो मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए अपने सिटाडेल से सेक्रेट टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा था ऑलाइथ की मदद से, और जो भी टाइमलाइन में गड़बड़ी होती उसको वाइट में डाल दिया जाता और जिसे ऑलाइथ निकल जाता था। और इसी लोकी सीजन 1 के 5वें एपिसोड में सिल्वी और लोकी ने ऑलाइथ को मार दिया था। तब तक हमें पता था कि एक ही ऑलाइथ है, लेकिन अब डेडपूल एंड वुल्वरीन देखते के बाद हमें ये पता चल गया कि वाइड में कई सारे ऑलाइथ है। फिलहाल ह्यूरमेंस ने टीवीए और सेक्रेट टाइमलाइन को इसलिए बनाया था ताकि फ्यूचर में मल्टीवर्सल वॉर ना हो, कैंग के वेरिएंट सामने ना आए जो पूरे मल्टीवर्स में एक तरह की वॉर शुरू कर देंगे। लेकिन लोकी सीजन 2 के फाइनल में लोकी ने टाइमलाइन को एक मल्टीवर्सल ट्री में बना दिया, जिसकी वजह से अब टाइमलाइन पे ब्रांच टाइमलाइन बनने की आजादी मिल गई है और यही एकमात्र कारण है काउंसिल ऑफ कैंग्स के बनने का। इस मूवी ने हमें ये भी समझा दिया है कि टीवीए किसी तरह की कोई भी ब्रांच टाइमलाइन को प्रोन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सबसे पहले डेडपूल 2 में केवल को 2018 में आने से रोकता, क्योंकि केवल की ही वजह से डेडपूल 14 मार्च 2018 में अर्थ 616 पर आया था, यानी अपनी मेन एवेंजर्स वाली अर्थ पर आया था। यहाँ पर डेडपूल हैप्पी से मिला एवेंजर्स में भर्ती होने के लिए, लेकिन ये भी सपना डेडपूल का टूट गया। यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन हुई और कौन कौन से हिडन डिटेल्स हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल टीवीए ने इस मूवी में अपना कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं बताया, जैसे उनका कैंग के वेरिएंट्स को पकड़ने का काम कैसे चल रहा है, लोकी का क्या हो रहा है और अब उनके सामने क्या क्या आने वाला है। सिर्फ डेडपूल एंड वुल्वरीन को नोटिस दिया कि वो आगे कभी उनकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा डेडपूल कॉप्स का भी वजूद एमसीयू में आ गया है, जो अब तक का सबसे बेहतरीन वेरिएंट असेंबल है। यहाँ हमें लेडी डेडपूल, डॉगपूल, नाइसपूल, कॉबॉयपूल, सैमुराईपूल, हेडपूल और न जाने कितने सारे और भी डेडपूल देखने को मिले। बाकी हमने वुल्वरीन के वेरिएंट्स को भी देखा और एक वेरिएंट ऐसा था जो हल्क से लड़ रहा था, और न जाने ये हल्क मुझे अर्थ 616 जैसा लग रहा था। आप लोगों को भी ऐसा लगा तो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमें नाटा वुल्वरीन भी देखने को मिला और एक सुपरमैन वाला भी वुल्वरीन हमने देखा। ये सारी डिटेल्स मैं ईस्टर एग वाली वीडियो में कवर करूंगा, तो टेंशन मत लेना। फिलहाल अभी अगर डेडपूल के वेरिएंट्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में भी डेडपूल के एक कॉर्प्स है जिसको असेंबल किया था मेन अर्थ 616 के डेडपूल ने, लेकिन मूवी में यहाँ पर कैसिना नोवा इन डेडपूल कॉर्प्स को लेके आई है जो मात्र कुछ पैसों में बिक गए हैं। इसके बाद जो यहाँ पर फाइट हुए डेडपूल, वुल्वरीन और बाकी डेडपूल के वेरिएंट्स के साथ, वो सच में बहुत ही ब्रूटल थी। और इसी जगह पर हमने वुल्वरीन को मास्क के साथ देखा और अब तक इस चीज को ना ही ट्रेलर में ना ही किसी टीवी स्पॉट में दिखाया गया।
फिलहाल ये लड़ाई रुकने वाली नहीं थी, सबको पता है हीलिंग फैक्टर के कारण। फिर यहाँ पर एक चीज हुई, पीटर ने यहाँ आकर सभी डेडपूल को एक साथ मना लिया, और इतनी अजीब सी चीज होना ये हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हम डेडपूल की मूवी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ डेडपूल कॉप्स का क्या हुआ, क्या उनको उनका यूनिवर्स मिल गया? तो मुझे लगता है कि हाँ, इनको भी इनके यूनिवर्स पे वापस भेज दिया होगा, क्योंकि पैराडॉक्स ने पूरे ही फॉक्स यूनिवर्स पे अपना कंट्रोल जमा रखा था। तो जितना भी पैराडॉक्स ने गंद मचाई थी उसको B-50 ने साफ कर दिया होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी मेन विलन कैसेंड्रा नोवा की। तो कैसेंड्रा नोवा को पावरफुल तो दिखाया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बराबर नहीं पड़ा है, और मुझे लगता है कि थैनोस जैसा इम्पैक्ट कोई और विलन भी नहीं दे पाएगा। कैंग उससे तो उम्मीद ही हट गई है, बस डॉक्टर डूम ही देखना बाकी है। इसके अलग इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा की स्टोरी आर्क पर भी काम किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बढ़िया ही था। कैसेंड्रा नोवा पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर रही थी, जैसा हमने लोकी सीरीज के लास्ट में टाइमलाइन को नष्ट होते हुए देखा है, सेम इसी ढंग से यहाँ पर भी हो रहा था। कैसेंड्रा नोवा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी एक वेरिएंट की स्लिंग रिंग थी, जो उसे मन चाहे किसी भी यूनिवर्स में पहुँचा सकती थी, लेकिन उसने अपने लिए केवल वॉइड ही चुना। फिलहाल उसने अपनी ये कुर्बानी दे दी, लेकिन ये एंडिंग काफी कैजुअल थी। फिर भी हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स का पता चला, जैसे हर एक एंकर बींग कॉमिक्स की तरह एक नेक्सस बींग है, और लोकी सीजन 1 के हिसाब से नेक्सस इवेंट है, और वहीं स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के हिसाब से एक कैनन इवेंट है, जिसको B-50 ने मेंशन किया था ये बताकर कि जो लोगन का पास्ट है उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वजह से ही आज ये वजूद में आया है। और हाँ, हम इस चीज को एब्सोल्यूट पॉइंट के नाम से भी जोड़कर देख सकते हैं, जैसा हमने व्हाट इफ सीजन 1 में डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी को देखा था, एक ऐसा एब्सोल्यूट पॉइंट जिसको बदला नहीं जा सकता, वैसे ही लोगन की स्टोरी है। बस यहाँ फर्क इतना है कि ये एक टाइमलाइन है और वेरिएंट कोई और है, और इसकी कमी पूरी कर रहा है बस ये एंकर बीइंग। कुल मिलाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी ने फॉक्स यूनिवर्स को सेव किया है, और उस यूनिवर्स का हमें पता चल गया है जिसकी अर्थ का नाम है 10005। आगे ये मूवी कैसे अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर से कनेक्ट होती है, इस पर एक फुल थ्योरी वीडियो होगी। अभी के लिए सिर्फ ये एक एंडिंग एक्सप्लेनेशन था, और सही बताऊं हमें इस मूवी में कुछ भी आगे का हिंट नहीं दिया गया है। हमें बस ऐसा दिखाया है कि डेडपूल के साथ अब वुल्वरीन भी आ चुका है, और TVA भी उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। ना इनकर्जन के बारे में बताया, ना कैंग के वेरिएंट्स को दिखाया, और ना ही मैग्नेटो और बाकी एक्समैन की टीम को। तो ये मूवी एक तरह से वुल्वरीन का वेलकम है। अगली वीडियो में हम कई सारी थ्योरीज को पकड़ेंगे, साथ ही ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स पर भी बात करेंगे, और अभी रिसेंट में ही कॉमिक कॉन भी होने वाला है, तो उसको भी कवर किया जाएगा, क्योंकि अवेंजर द कैंग डायनेस्टी का टाइटल भी अनाउंस्ड होना है, और कैंग द कॉन्करर के लिए रिकास्ट भी। तो मेरे साथ लगातार बने रहना, और अगर यहाँ तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।